ई रिक्शा आपका है कि किराए का है? किराए का है। और जो लॉकडाउन रहा इतना दिन तक, तो मतलब कैसे करते थे, दिक्कत होता था कि नहीं? सारा कैसे चल रहा था। अच्छा, सरकार दे रहा था राशन। मतलब बहुत लोग बोलता है ना कि सरकार नहीं दे रहा था, कुछ लोग बोलता है दे रहा था, तो मतलब आप ही लोग बता सकते हैं ना? दे रहा था। अच्छा, कैसे मतलब देता था? मतलब जैसे आपको 25 किलो है तो 50 किलो डबल देता था। डबल देता था, मतलब महीने में, हफ्ता में देता था? महीने में। मतलब सरकार ध्यान रखा है आप लोगों का? ध्यान रखा है। अच्छा, और अब तो नहीं देता होगा, मतलब सिर्फ लॉकडाउन भर? नहीं, अभी नवंबर तक देगा। नवंबर तक देगा? हाँ जी। अच्छा, मान लीजिए आपके घर में 4 आदमी है या 5 आदमी है, तो उसको मतलब कैसे होगा, कैसे पता चलेगा उसको कि ज़्यादा आदमी आपके घर में? 5 आदमी है तो 25 किलो यूनिट के हिसाब से हुआ। अच्छा, सरकार 50 किलो दे रहा। 50 किलो दे रहा था नहीं अनाज? हाँ। मतलब आपको मतलब खाने उने का दिक्कत नहीं हुआ होगा? नहीं, खाने उने का दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, यानी आप संतुष्ट हैं सरकार के काम से? नहीं। अच्छा, अब ये बताइए कि मतलब आप कहाँ रहते हैं, घर कहाँ हुआ आपका? घर तो मेरा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर हुआ। अच्छा, हम भी भागलपुर से आ रहे हैं, यहाँ आप रिक्शा चलाते हैं रोजगार के लिए? पैदल रिक्शा। आपको मतलब यहाँ बिहार में अब चुनाव आ रहा होगा, पता होगा आपको, तो क्या लगता है मतलब नीतीश बाबू, मतलब क्या सुशासन बाबू सही में है? वो जीतेंगे, वही जीतेंगे, मतलब वही जीतेंगे। तेजस्वी यादव इतना जोर शोर से बोल रहा है, बोलने से क्या होता है जी? बोलने से कुछ नहीं होगा। नीतीश काम किया आपके नज़र में है ना? काम किया है। अच्छा, आप लोगों के लिए कुछ किया है कि नहीं किया, ऐसे काम किया है? सब आदमी के लिए किया, गरीब के जनधन खाता है 500 रुपया भी भेजे। अच्छा, जनधन खाता, वो तो केंद्र सरकार के। चलिए ठीक है, बात तो वही है, मतलब आप संतुष्ट हैं एक तरह से काम से, है कि नहीं? मैप लोकेशन भी बता दिया अब आपका। आप ही लोग तो जमीन से जुड़े रहते हैं ज्यादा, समझे ना, आप लोग से ज्यादा कोई नहीं बता पाएगा। हाँ, तो मतलब इतना दिन किए क्या हो, परेशान हो गए होंगे? सब आम आदमी परेशान हो गया, जनजीवन तो मतलब आप लोग में से, आपके घर परिवार में से कोई कोरोना पीड़ित नहीं हो गया था? चलिए ठीक है। हाँ ठीक है, और मतलब दवाई उवाई, मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया फिर उसका? बीमार पड़ गया उसको डॉक्टर से दिखाना। अच्छा, सुविधा था मतलब उसका? लॉकडाउन में तो बीमार पड़ा ही नहीं, पैसा क्या। हाँ, लॉकडाउन में नहीं पड़ा बीमार। चलिए, मतलब ये नसीब वाला बात हो गया। हाँ, लॉकडाउन में नहीं, ठीक है। बहुत लोग आदमी है ना, क्या है ना कि आप लोगों का आवाज़ बन के जोर शोर से बोलता है कि सरकार काम नहीं किया, या इतना लोग के साथ ये हो गया वो हो गया। वो तो पैसे दे के बुलवाता है, पैसा दे के बुलवाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं अभी मतलब लॉकडाउन हुआ तो दिल्ली उल्ली बाहर से, बहुत बड़ा बड़ा शहर से बहुत लोग मजदूर लोग आया। दिल्ली ही रहता हूं। हाँ, तो मजदूरी में यहां आया हूं। अच्छा, आप भी दिल्ली रहते थे? अच्छा, वहाँ देखते हैं ना, जो नेता का भाषण आया। हाँ, 300 रुपया दिया। हाँ, Make a U-turn. अच्छा, ऐसा सीन है इधर, बताइए। तो बस वही मजदूर वगैरह आया, तो बहुत लोग जो पत्रकार है, बहुत लोग है नेता लोग, ये सब बोलता है कि मजदूर लोग आया उसके लिए सरकार कुछ नहीं किया, या मतलब इतना रास्ते में मर गया, किसी को खाना नहीं, किसी को पानी नहीं। एक सेकंड, जाने दीजिए उसको, जाने दीजिए। सरकार दिल्ली में भी खाना दे रहा था, हर स्टेट में खाना दे रहा था, मतलब अपने अपने मतलब राज्य में सब सरकार, जहाँ भी जो सरकार है वो काम कर ही रही थी। खाना बट रहा था हर। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी जो होता है वो किया था नहीं? अभी जो केंद्र में जो सरकार है अभी, उसका काम आपको ठीक लगता है, वो नरेंद्र मोदी का? ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप संतुष्ट हैं, तो आप संतुष्ट हैं तब तो क्या बोले आप, नरेंद्र मोदी मतलब हर सरकार काम किया। दिल्ली में क्या करते थे आप? दिल्ली में स्टेशनरी दुकान था। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर से आपको क्या लगता है इस बार मतलब कौन आएगा, NDA वाला आएगा कि वो लालू पार्टी? अच्छा, वो नीतीश से, चाहे जैसे आए नीतीश से आएगा। चलिए, आप बोल दिए तब तो मतलब एक सर्वे वाला बात हो गया ना, नीतीश ही आएगा फिर।
हमारा लगता है गंतव्य स्थान आ गया, नहीं हो बोरिंग। नाम क्या हुआ आपका? नाम ही नहीं पूछे हम। नाम हुआ मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद इस्लाम, ठीक है मोहम्मद इस्लाम। मोहम्मद भाई, अरे जानते हैं क्या होता है बिहार में, जाति कार्ड नहीं होता है, वो बोलता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ऐसा वैसा, ये मुसलमान है, ये मोदी का विरोध करेगा, ये नीतीश का विरोध करेगा, ऐसा बात नहीं है वो। आप लोग काम पे करते हैं ना, चलिए मतलब एक अच्छा हो गया। आपसे पहले एक किसान से हम बात किए थे, वो भी हमारे मुसलमान भाई थे, वो भी एकदम सच बात बताए। मतलब गंगा जमुनी तो अजीब जो होता है ना, वो एकदम आप लोग बहुत अच्छा लगा जान के। मतलब जितना शोर शराबा चिल्लाहट होता है वो सब टीवी में होता है, पब्लिक को भड़काता है। एकदम सही बात बोल रहे हैं, मतलब ऐसे मतलब जमीन पे तो मतलब एकता बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है इस्लाम भाई, अच्छा लगा आपसे बात करके। सब मिलजुल के रहते हैं, यही है मिलजुल के ही रहना है, समझे ना। आप लोग टीवी नहीं देखते हैं ना, मेन बात ये है, आप लोग टीवी नहीं देखते और नेता लोग का भाषण नहीं सुनते हैं। न्यूज देखने का तो मैं माहिर हूँ। माहिर है, न्यूज देखते हैं और, लेकिन यह कि यहाँ पे टीवी नहीं है। अच्छा, न्यूज देखते हैं तो आपको अच्छा लगता है न्यूज में ये सब जो चीख चिल्लाहट हिंदू मुस्लिम ऐसा वैसा जो तोड़ मतलब एकदम ऐसे बात कर देता है, झगड़ा लड़ाई तोड़ मरोड़ के बनाता है, तोड़ मरोड़ के बनाता है नहीं, तब कौन सा न्यूज देखते हैं, कौन न्यूज चैनल को देखते हैं? आज तक देखते हैं। अच्छा आज तक, और NDTV मतलब मिला जुला के आप मतलब एनालिसिस करते हैं, हर तरह से जानकारी रखते हैं इसका मतलब आप नहीं आए। आप जमीन पे घूमते हैं, न्यूज भी देखते हैं, तो हर चीज का जानकारी मोटा मोटी आई है आप। हाँ